हाँ छुटकू पुत्र, कुछ दिनों ने यही तुहाडा कमरा ते यही तुहाडा घर। छुटकू पुत्र, मैं बहुत खुश हाँ कि तुसी सही सलामत करे पहुंच गए हो। जे तुहानू कुछ हो जाता तो मैं अपने आप नू कदे भी माफ नहीं कर पाना सी। पर मैनू कुछ किवें हो सकदा आंटी जी? मेरा ख्याल तो माता रानी आप रखदे ने। मेरे को ना अज जोत नहीं जग रही, तुसी जला दो ना सुपर आंटी। माता रानी, मैं तानू भोग लान लगी हाँ। ये मेरी सुपर आंटी ने बनाया है, वेखो तो वेखन विच किन्ना स्वाद लग रहा है, तानू बड़ा चंगा लगना। माता रानी, मेरे कोलों तो वाल भी नहीं वाए जा रहे। पहले तो मेरे वाल बाबू जी बन रहे से, हुन तो इत्थे है ही नहीं। तुहाडे बाबू जी नहीं हैगे तो की होया? मैं तो है ना। अच्छा, मैं वा देंदी हाँ तेरे वाल। कि तुसी मेरे बाल वा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुसी वेखना मैं किन्नी सोहनी गुत बनाउंदी हाँ तुहाडी। आ जा बह जा। आ वेखो किहो जिहियां बनिया ने। बहुत सोहनी सुपर आंटी, एकदम मेरे बाऊजी तरह। तो हुण मैनू दसो कि तुसी नाश्ते विच की खाओगे? चॉकलेट वाले कॉर्नफ्लेक्स भी नहीं ते ब्रेड ते बटर भी नहीं। मेरी ताई तो मैनू आम दी चटनी नाल रात दी बची हुई रोटी दिंदी सी। हुण चंगा लग रहा ना सुपर आंटी? हुण लेटे रहो, जब तक तुसी ठीक नहीं हो जांदे ना मैं मालिश करदी रहांगी। लो थोड़ा जिहा पानी पी लो। नहीं बेटा, मैं नहीं पीना। नहीं, चाहे तानू प्यास लगी होवे चाहे ना लगी होवे, पर तानू पीना ही पैना है। चलो छेती छेती खत्म करो। सुपर आंटी, तानू सब कुछ ठीक तो दिख रहा है ना? हाँ पुत्र, बिल्कुल ठीक है। हट जा, मैं हुणे तेरे रंग लाउनी आ। और नहीं था की मेनू तो एवे लग रहे जिवे बम दे गोले ने। जो तुसी कहोगे मैं और लेके देंगी तुहानू। पर मेरे कोल तो सब कुछ है। मेरे बाऊजी कहने ने जो भी साडे कोल होवे ना उदा माते रानी तो शुक्र करना चाहिए। प्लीज पुत्र, मेरा दिल कर रहा है, तुसी कहो ना तुनु की चाहिदा है। ठीक है, पर तुसी मेनू बारो कुछ फिर लेके देना, जो भी कार विच है वो दे दियो। तो ऐसी चीज जे हमेशा तड़ी याद बनके मेरे नाल रहे। मैं माता रानी ने तोड़ ली अरदास करती है सुपर आंटी। अनु छाड़ दो, ऐसे ना करो। आज मैं भी अपनी तीनों लबन ही डिवाइन अस्पताल जा रही हूँ। मुझे लगता है माता रानी ने मैंने मेरी तीन नाल छेती मिलवा देने। फिर तो मैं भी तड़ नाल जावांगी। जब मिल जाएगी ना मैं उन्हें बहुत सारा खेड़ा करूंगी। हाँ हाँ, तुसे भी मेरे नाल चलो। क्यों है पावनी, कोई बुरा सपना देख लिया? मैंने ना छुटकू दी बड़ी याद आ रही है करण जी। जदों मेरे नेड़े सी ना सब ठीक सी, पर जदों दी अपने पिंड अपने बाऊजी कोल गई है ना एवं लग रहा है जिवें मेरी अपनी ती मेरे तो दूर हो गई हो। बार बार उदी याद आई जाती है। पता नहीं, पता नहीं वो ठीक होनी भी है कि नहीं, पता नहीं उन्हें टाइम पे खाना मिलता होएगा कि नहीं।
मैं उसे ताईया नु जान दिया करन जी मेहर तू तो चार दिन ची सुक गई आहो उथे तो मुल का दुध मिलता मुल का मक्खन मिलता मक्खन भी डब्बी च बंद होना चार पांच दिन पुराना आ पिंड वाली गल कित्थे है जी उथे हां जी ए गल ता है पिंडा वर्गी साफ हवा शहर विच नहीं है लो जी तुसी खड़े क्यों हो मन्या साडे घर च थोड़े घर वांगू गुदगुदे सोफे नहीं हैगे पर तुसी खड़े थोड़ी रहोगे आज बैठो आज जी आज 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 वो छुटकुटी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर दिया पावनी एदे विच केड़ी वड्डी गल हो गई है मैं हुने तेजी नु फोन करके पूछ लेना ते ओदी ताईया जेहो जिया वई मर्जी होवे पर ओदे दोनों ताए ओनु बड़ा प्यार करदे ने चिंता ना करो मैं हुने फोन करदा हेलो सत श्री अकाल भाजी सत श्री अकाल तेजी छुटकू किवें है हां जी भाजी छुटकू ठीक है जी नाले मैं तो बड़ा खुश है जी क्यों इस घर तो दूर अपने बापू जी नाल है नाले उत्थे तो उहदी उम्र दे बड़े न्याणे है जी साडे चाचा जी भी उत्थे ने उह तां बड़ा ख्याल रखदे ने जी मेहर दा नाले भाजी तुहानूं पता है उत्थे साडा अंबां दा बाग है नाले मेहर नूं तां अंब बड़े पसंद है जी हां जी मैनूं तां लगदा छुटकू सारा दिन अंबां दे बाग च खेलदी रहिंदी होणी है नाले अंब चुप्पी जांदी होणी है मैं थानू ओदी फोटो भेजूंगा जी पिंड वाली हाँ जी जरूर भेज दो ते उनु किसी भी चीज़ की जरूरत होए तुसी मैनू दस देना हाँ जी भाजी तुसी मेहर दा इन्ना ख्याल रखते हो सानू तो यही बड़ी खुशी होंदी है जी चलो जी ठीक है मैं फोन रखता हाँ ठीक है भाजी मैं भी बाहर आया सी जी कितने ठीक है जी ठीक है जी लो जी तुसी उनु याद करी जाने ते ओ अंबा दे रुखा ते चढ़ के अंब खान विच बिजी है ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਰਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਵਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਨਾ मैं जानती हूँ करण जी कि यह ट्रीटमेंट थोड़ा जिहा रिस्की है मैं यह भी जानती हूँ कि तुसी थोड़े जिहे डरे हुए भी हो पर अपने बच्चे लिए मैं कुछ भी करने तैयार हाँ ठीक है भाभी डॉक्टर खन्ना ने जिहड़े डॉक्टर दा नाम दस्या सी ना उन्होंने फोन करके मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना ठीक है हे माता रानी हुण बस तुहाडी कृपा चाहीदी है फिर साडी फैमिली पूरी हो जाणी मन्नदा फिर लड्डू उस्ताद नूं तू एवें डरी जांदा सी सतपाल पैसे नहीं दिंदा आ चक भैया पैसे देते ना फिर हाँ यार पैसे तो देते ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸਤਪਾਲ ਹੈ ਨਾ ਆ ਸਾਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਗਰੀ ਹੈ ਮੁਗਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਹਤੀ ਲੱਗਦੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫਿਰ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਚੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਦੋਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਆ ਨਾ
वो तो अपने मां बाप का हाल ना पूछे, होरां दा तां की पूछना है। दस क्यों आया? क्या बात है, क्या बात है। तुसी सिर्फ नाम दे सरपंच नहीं, तुहाडी गलबात च भी पूरी सरपंची झलकदी है। चलो मुद्दे की गल ते आउने आ, मैनूं पूरे 5 लाख चाहिए सी, हुणे ते इसे मिला। जिन्नी तेरी औकात है ना, ओडियो गल करनी चाहिए है। तेरे वर्गे छत्ती चंडदा मैं रोज। जरूर चंड देवोंगे, जरूर चंड देवोंगे, पर मैनू उन्ना छत्ती अटना चाहता। जिवें तुहाडी धी नूं जाके सारा कुछ सच सच दसदा ना, तां तुहाडी औकात भी उन्ना छत्तियां वर्गी हो जाएगी। तां बहुती सरपंची ना झाड़ो जी, मैनू हुणे चुपचाप पैसे दिओ ते मैं भी चुपचाप चला जाना। तेरी इन्नी हिम्मत, तू रिपोर्टां पावनी दे घर पहुँचा दित्तियां। हुण तुसीं तां विखाउंदे नहीं जी, पर मैनूं तां विखाउणी पैणी है ना। ते नाल जद तक मैनूं पैसे नहीं मिल जांदे ना, ये हिम्मत मैं विखाउंदा रहूंगा जी। अपनी हद च रह, तू हजे जानदा नहीं मैं की कर सकदा। तुहाडा तां पता नहीं जी, पर मेरा तुसीं वेख ही लै के मैं की कुछ कर सकदा। बाकी तुहाडी मर्जी है जी। मैनूं उसे जगह मिल जिथे कल मिलिया सी, पैसे तैनूं मिल जाणगे। हाँ जी हाँ जी, तुहाडे तों पहलां पहुँच जूंगा जी, पैसा लई तां मैं किते भी पहुँच सकदा। सच्ची हद तों वध कमीना है तू। वो तो हैगा जी, थैंक यू जी। बस थोड़ा जिहा डरा के रखना है पैंदा, थोड़ा थोड़ा डराई जाओ ते आंडे जिन्ने मर्जी लई जाओ। ओ बल्ले लट्टू बल्ले, कमाल है तू। ओ एवें थोड़ी मेरे अद्धो अद्धा साथी है। ओ भरावा किधर नू है, केड़ा अद्धो अद्धा साथी? सारी मेहनत करा मैं, कमाई करा मैं, तू मलाई कितों खा जाएगा? आ राज मैं सामभ के रखा हो सतपाल का इन्ने साल तू, और तू तो अज है। वेख लड्डू जाक ना कर मेरे नाल, उस समर का कतल मैं किया सी है, ते तू तो डर के अपने पिंड भज गया सी। वो सारा कुछ करन कराउन वाला मैं है, होया ना फिर तेरे अद्धो अद्धा साथी। गल तो तेरी सही है, सच्ची गल हैगा, बनदा अद्धा अद्धा साथी का। एक गल है यार, सतपाल नूं मैं हथा थले रखा हुआ सी, नाले एक होर गल, मैं एक होर नवा पता सोचता। हुण वेखे तू सतपाल किवें हथ जोड़दा होगा, उहनूं नहीं हिलण दिंदा मेरे कुछ लगदे नूं। ओ लड्डू हुण कहड़ा पत्ता सिड़ता तूं, थले रखना ना तां उस बंदे तक पहुंचना पैना है जिंदे तों सतपाल भी डरदा। बल्ले लड्डू अत कराती यार, चक फिर हुण नहीं बचदा सरपंचा, तू इहनूं गोडे थले धर के रहांगे। जुत्ती थले रखांगे सतपाल नूं, जुत्ती थले। ओम शांति ओम शांति। हुण असीं राज दी आत्मा दी शांति दे लई कुछ टाइम मौन धारां। ਗੱਲ ਦੱਸ ਪਾਵਨੀ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6-6 ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਕੁੱਛੜ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ।
आहो अजकल तो बड़े इलाज ने। वो प्रेमू की घर वाली नी 12 साल बाद बच्चा जमया उन्हें, वो की कहंदे ने उन्हें IVF ट्रीटमेंट नाल। वैसे जो चंगी तरह कोशिश करी जाए ना तो इलाज की जरूरत नहीं होंगी। अजकल की कुड़ियां न्याणियां नालों ज्यादा अपनी फिगर की फिक्र कर दिया ने। मैं ना वैसे ही गल कर दी हाँ लाजो भैन जी, किन्ने सोहने रिश्ते आए सी करण लई। एक तो मिनिस्टर की धी दा सी, पर करण दा दिल तो पावनी ते आया होया सी, होर किते तो मन्निया ही नहीं। मैं की कहां भैने, करण पुत्र साडा तो बाला ही भोला है, तो बाला बीबा मुंडा है। नाले उहदे वल वेख के ना मैनू उहदी जिंदगी च ते परिवार च बहुत घाट महसूस होंदी। कर भी की सकते हैं, पर मेरा यह मानना है कि जब तक घर च आलादना ना हो उन्ना चर व्याह संपूर्ण नहीं होंगे। किवें मूह बट के गई है, वारस तो दिता नहीं जाता, उपरों नखरे अड करण ने तो बाली सिरे चाड़ी हुई है। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਾਜੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਲਾਣੇਦਾਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਿਮਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਰਾਜ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਜ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਤੋਂ। ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈਗਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨੂਰ, ਇਹਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਕਰਨ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਾਵਨੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਮਿਸਿਸ ਖੁਰਾਨਾ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਸ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵੀਰ, ਡਾਕਟਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਭਾਵਨੀ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6-6 ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਆਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਹਫ਼ਤਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,
हाँ मैं तुम्हें इन्ना विश्वास जरूर दवाना कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है तो फिर आप आज से थोड़ा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो इस ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है, बट जिम्मे कि मैं थोड़ी रिपोर्ट देख रहा, थोड़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा वीक है, इसलिए सानू थोड़ा केयरफुल रहने की लोड़ है।